नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिलका से आ रही है। फाजिलका के गांव चौड़ेवाली के समीप एक समुदाय द्वारा मवेशियों के चारे के लिए जमा की गई पराली में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पराली जलकर स्वाह हो गई। सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके चलते पराली जलकर स्वाह हो गई है। अबोहर, फाजिलका व जलालाबाद इत्यादि शहरों से यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, जिनके द्वारा भारी मशक्कत की गई, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर अफसर ने बताया कि स्थिति कंट्रोल में है और पराली जलकर राख हो गई है। आग लगने का कारण मालिकों द्वारा बिजली की तारों से हुई स्पार्किंग बताया जा रहा है, जबकि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा आग लगने के कारणों की तलाश की जा रही है। आपको लेकर दिखा रहा हूँ, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल। मेरा नाम शेरी खान है जी। शेरी जी, किस तरह नाल ये हादसा होया और की गल हुई है? ये सर ना तारा बिड़िया है, हवा तेज सी, ते असी अंदर सीगे, रोटी रोटी खाई जाते सीगे। अचानक ही पता लग गया कि जो हनेरी जी तेज हुई ना, उदों पता लग गया कि पराली नूं पूरी नूं अग फैल चुकी सी। ते बाकी असी फिर भी जिहड़ा फोन किया, तो साढ़े फाजिलका के प्रशासन ने साडा बहुत ज़्यादा साथ दिता, कि साढ़े पिंड वासियों ने जिन्हें भी सी बेचारे बहुत ज़्यादा उन्होंने साथ दिता। इधरों पिधरों बज के जिमें भी किसी हथे कोई चीज़ आ रही थी, उन्होंने कोशिश की बुझाने की। तो अजे भी फायर ब्रिगेड खड़ी हैगी साढ़े को, क्योंकि अग थोड़ी जी काबू च पाने तो बाद फिर होर ज़्यादा पानी बीटांगे। तीजी बार दोबारा फायर ब्रिगेड आई हैगी, और पहला भी फायर ब्रिगेड आ के गई, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं बुझाने की। किन्नी पराली सी तुहाडे वल स्टोर की गई? ये सर तकरीबन गठा सी ज़्यादा, इन्हें 500 क्वांटल के नेड़े गठा सी, पराली घट सी, तो गठा इकट्ठिया की। किनिया गड्डिया पहुंचिया फायर ब्रिगेड दी? फायर ब्रिगेड सर 3 पहुंचे गए जी। हुण की मांग कर रहे हो तुसीं सरकार तो? जी असीं सरकार तो आई मांग करते हैं कि अगर गावों वास्ते गठा इकट्ठिया कीतिया सीगिया, ना कि असीं किसी कोई कमाई करन दे वास्ते कीतिया सी, ते जिन्ना हो सके साड़ी मदद की जाए, क्योंकि असी भी पशुओं वास्ते इस चीज़ में इकट्ठी की थी। अज ये जल गई और सानू भी थोड़ा जहा बहुत ज़्यादा औखा हो गया कि इस चीज़ में दोबारा अगर इस गिरे लियावे या दोबारा इकट्ठिया करा तो सर उन्हें भी खर्चा भी आता है, और अजकल दे घर के माहौल ठीक ठाक जो आते है। फतेह मोहम्मद, कितने बजे आग लगी सी? तकरीबन 11 बजे आग लग गई सी सर। अच्छा, 11 बजे आग लगी सी, स्टोर पराली दा इकट्ठा कीता सी पशुआं वास्ते, भी तारा पीड़ियां, तारा दी पड़ियां नाल माड़ी जी मुश्किल आ गई सानू, भी अंदर रोटी खाई जांदे सी सर, तां करके आग लग गई। कोई इसनू कोई सरकार करे हुण। किन्ना नुकसान हो गया तुहाडा? भी नुकसान हो ही गया होणा, घट तो घट भी 5-6 लाख दा तो हो ही गया, पराली दा स्टोर जां ते इस तरां दा हो ही गया साडा। पशुओं का नुकसान है, पराली पुराली दाना पट्टा पाने पशुओं वास्ते करते हैं। की मांग की कर रहे हो सरकार तो? भी जो कुछ हो सके सरकार दे सकती है, कोशिश करती जाने सी। मैं जलवीर सिंह गिल, सौ फिर फाइल। सर जी अग लगी उनके बारे जानकारी दो, कितने लगी है और कितनी गड्डियां अपनी फायर ब्रिगेड दी आईं? ये जौड़किया पिंड का ही रकबा है, तो जोड़ा है गड्डियां साड़िया फायर ब्रिगेड दी 3 ही है जी। एक अबोहर तो मंगाई है, पहला सानू 10:20 फाजिलका नूं खबर मिली है, तो पहली गड्डी अं जो लैके आए वेख्या अग ज्यादा है। उस तो बाद असी जरा अबोहर फायर स्टेशन जी सूचना दी, उन्हों की गड्डी भी तकरीबन 11:15 बजे आ गई है। जलालाबाद वाले ने भी सूचना दी, वो भी आ गए। तो उस तो बाद अं लगभग 4-4 गड्डियां पानी पाया, तो अग साड़ी जी है भी हूँ कंट्रोल जी थले रह गई है। वो इनका सबिशन यही हों भी जो भी पराली की अग नू आप नपते हैं, ज़्यादा पानी पाने हैं,
ਉਹ ਧੁੱਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਲਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਅੱਗ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਰ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ 15 ਕੁ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗੱਠਾਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ ਪਰਾਲੀ ਜੀ। ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਐਡਰੇਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਛਿੜਾ ਲਿਆ, ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।